फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? तो आज का दिन यहाँ से स्टार्ट होता है और आज का नया ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून। भाई, बारह रबीउल अव्वल जो है वो हो चुका है ख़त्म। तो यहाँ से तो मैंने कुछ लाइटें हटा दी हैं। इसके ऊपर ये जा रही लाइट, इस वाली लाइट का कनेक्शन मेरे रूम पे जाता है, तो हम इसे ओपन करेंगे और हम इस प्लग को यहाँ से निकालेंगे। कहाँ गया? अच्छा, इधर ही है। तो ये प्लग हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इस तार को फोल्ड कर करके हमें ऊपर तक जाना है और ऊपर जाके इसका कनेक्शन निकाल देना है। सो स्टे ट्यून्ड। तो फिर चलते हैं हम ऊपर। थोड़ी बहुत धूप हो रही है। तो ये रही लाइट, दिखाती हूँ कि ये मैंने इन कीलों में अटका अटका के कैसे की हुई थी। कुछ ऐसी लग रही थी ये। तो अब इसे रिमूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम इस वाले तार को खोल देंगे यहाँ से, जो मैंने इसको धागों के साथ बांधा हुआ है। मैं क्या कहती हूँ, इसको एंड में खोलते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं उस साइड से, पहले दूसरी साइड से स्टार्ट करते हैं, इधर से यहाँ से इसे खोलते हैं। मुझे लगता है इसे खींच के खोलना पड़ेगा। ओह भाई, ये मुझे लगता है गिर गई। नहीं गिरी नहीं, ये रही। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके फोल्ड करना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सो तकरीबन तो मैंने फोल्ड कर लिए हैं और देन इस वाले को हम इससे बाहर निकालेंगे, इस कील से खींच के निकालते हैं। सो यहाँ तक तो मैंने इसे पूरा डन कर लिया। अब इसे खींचते हैं कि ये नीचे पूरा उधर गई भी है ना। भाई यार, एक और जगह से बंद हुआ है। तो ये और ये तकरीबन आ चुका है। यस तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। यहू, चलते हैं उस लाइट को लेके नीचे, ताकि हम इसे एहतियात से अगली बार रबीउल अव्वल के लिए रख दें। तो फिर चले मेरे साथ। यस, मैंने आप सबको बताया था ना, एक लाइट मैंने यहाँ पे रख ली है ऑलरेडी निकाल के, और एक और टोटल दो लाइट्स मैंने लगाई थी बारह रबीउल अव्वल को, तो दोनों मैंने यहाँ पे निकाल के रख ली हैं। सो अब देखते हैं। हाथ बहुत गंदे हो चुके हैं, जल्दी से जाके हमें अपने हाथ वॉश करने हैं। हैंड वॉश, हैंड वॉश तो इधर है ही नहीं, चलो इसी से हैंड वॉश कर लेते हैं। सो 99.9 जर्म्स हमारे निकल चुके हैं। यस, कितना अच्छा लग रहा है हमारा हाथ। यस यस यस। अच्छा हाँ, एक ज़बरदस्ती बात। सो फ्रेंड्स, एक ज़बरदस्ती बात ये है कि अभी मैं नहा कर आ चुकी थी, और मैं नहाई इसलिए थी क्योंकि हमें रात को शादी में जाना है, और वैसे भी मुझे शादी में जाने का बहुत शौक है, क्योंकि शादी की जो बिरयानी का मज़ा है वो उफ घर की बिरयानी में बिल्कुल भी नहीं आता। तो फिर हमें उसके लिए अच्छे अच्छे से ड्रेस बाहर निकालने हैं और प्यारा सा रेडी हो जाना है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइनर लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। तो मैंने सोचा है कि मैं लाइनर लगाऊँगी या शायद नहीं लगाऊँ, आई डोंट नो। सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं ड्रेस वेयर करूँ। नहीं, अभी तो नहीं वेयर करूँगी, अभी मुझे निकाल के उसे प्रेस करने पड़ेंगे, उसे मुझे पूरा आयरन करना पड़ेगा। इससे पहले कि लाइट जाए, हमें अपने हेयर्स भी तो मेंटेन करने हैं। सो कहीं जाइएगा मत, मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। काजल वगैरह सब ढूंढना है। कहाँ रख दिया मैंने काजल? इधर ही तो रखा था यार। एक तो अब ढूँढो, नहीं कहाँ रख देती हूँ, इधर ही तो रखा था। अच्छा, ये वाली लिप बाम हम लगा लेंगे आज, एंड देन मुझे लगता है काजल इसके अंदर है ना, कुछ तो दिख रहा है। नहीं, इसमें काजल, इसमें बेस लग रहा है वो मामा का।
बहुत पुराना एक बेस था जिसको मैंने संभाल के रखा था, और ये थोड़ी सी कोई क्रीम मैंने इसमें रखी थी निकाल के, नहीं ये वाली नहीं लगानी मुझे, क्या लगाऊं यार मेरा कहाँ चला गया, अब मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं मिलेगा यार। अच्छा इसके अंदर मेरे कुछ ईयरिंग्स वगैरह होंगे, कुछ टॉप्स वगैरह होंगे जो मैं आज शादी में वेयर कर लूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज, ओफ माय गॉड, तो आज ये नेवी ब्लू पे कोई दिख रहा है, आज हम नेवी ब्लू कलर का टॉप्स वेयर करेंगे, नेवी ब्लू तो इसमें है ही नहीं, हो गया यार, ये रहा मैंने कहा था ना ये वाला, ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉप है, तो हम यही वेयर करने वाले हैं आज शादी में। इसका दूसरा पीस ढूंढो ढूंढो कहाँ चला गया, इसी के अंदर होगा, कहाँ चला गया दूसरा पीस, ओ माय गॉड घूमो गया क्या, नहीं यार यार मेरा एक और टॉप्स कहाँ गया, देखो ये वाला ब्लू तो है लेकिन ये वाले ब्लू नहीं बेयर करने मुझे, ये बहुत मेरा स्पेशल था पे यार, ओह देखो ये रहा, अबे नहीं यार ये कितने प्रैंक करते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं यही वेयर करने वाली हूँ आज रात की शादी में, ये टॉप्स मेरे फाइनल हो चुके हैं, ये लिप बाम मेरी फाइनल हो चुकी है, और मेरा ड्रेस तो आप लोग को मैं आज रात के व्लॉग में ही दिखाऊंगी, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, स्टे ट्यून्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं अपना जब तक काजल ढूंढ लूँगी और मैं आपको पार्ट टू में, इस व्लॉग के पार्ट टू में वो सब चीज़ें दिखाऊंगी जो जो मैं पहनने वाली हूँ, जो जो मैं लगाने वाली हूँ, एंड देन अपना पूरा मुकम्मल लुक भी दिखाऊंगी, अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को, सो कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल।